मित्रों, पुरातन काल में बहुत से महान विद्वान हुआ करते थे, जिनमें से एक थे उच्च कोटि के दिग्गज आचार्य चाणक्य, जो विश्व भर में कौटिल्य के नाम से मशहूर हुए। उनके बारे में सबने कुछ ना कुछ तो सुना ही है या जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। चाणक्य तत्कालीन समय के मगध के तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख कहा जाता है। इतिहासकाल में आचार्य ने मौर्य वंश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य तथा सम्राट अशोक तीनों का ही मार्गदर्शन किया था। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत्कथाकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आदि में मिलता है। बृहत्कथाकोश की माने तो उनकी पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस के मुताबिक चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। उनका जीवन कई रहस्यों से भरा हुआ है। आज भी भारत के राजनीतिक इतिहास में कौटिल्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में बताया जाता है। वह शिक्षक, धर्माचार्य, लेखक और अर्थशास्त्री भी थे। ऐसा कहा जाता कि वात्सायन नाम से उन्होंने ही कामसूत्र लिखी थी। चाणक्य के पिता चणक ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। और तो और, कौटिल्य नाम से ही विख्यात चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम का महान ग्रंथ भी लिखा है। आचार्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र नामक ग्रंथों की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। विष्णुगुप्त तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी के पास, वहां के ये निवासी थे। चलिए बताते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे। उसके बाद वे कभी नहीं लौटे। वहीं कुछ के अनुसार उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। इसके अलावा चाणक्य की मृत्यु को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी सच है इस बात की पुष्टि नहीं है। ऐसे तो आचार्य की मृत्यु की दो तरह की कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी, ये उस समय की बात है जब चंद्रगुप्त के मरने के बाद चाणक्य के अनुशासन तले राजा बिंदुसार सफलतापूर्वक शासन चला रहे थे, लेकिन इसी काल में वह पारिवारिक संघर्ष षड्यंत्र का सामना भी कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि परिवार और राजदरबार के कुछ लोगों को आचार्य चाणक्य का राजा के प्रति इतनी करीबी पसंद नहीं थी। उनमें से एक मंत्री सुबंधु था, जो कुछ भी करके विष्णुगुप्त को राजा से दूर कर देना चाहता था। सुबंधु ने चाणक्य के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। राजा बिंदुसार के मन में यह गलतफहमी भी बताई गई कि उनकी मां की मृत्यु का कारण कोई और नहीं, स्वयं आचार्य चाणक्य ही है, जिस कारण धीरे धीरे राजा और आचार्य में दूरियां बढ़ने लगी। अंत में यह दूरियां इतनी बढ़ गईं कि चाणक्य ने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और एक दिन वह चुपचाप महल से निकल गए। कौटिल्य के जाने के बाद एक दाई ने बिंदुसार को उनकी माता की मृत्यु का रहस्य बताया। उस दाई के मुताबिक आचार्य सम्राट चंद्रगुप्त के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे, ताकि वे विष को ग्रहण करने के आदि हो जाएं, और यदि कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने की कोशिश भी करे तो उसका राजा पर कोई असर ना हो। लेकिन एक दिन वह विष मिलाया हुआ खाना गलती से राजा की पत्नी ग्रहण कर लेती है, जो उस समय गर्भवती थी। विष से पूरित खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और जब आचार्य को इस बात का पता चला तो वे तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह राजा के वंश की रक्षा करते हैं। दाई आगे कहती है कि यदि चाणक्य ऐसा नहीं करते तो आज आप मगध के राजा नहीं होते। वहीं जब राजा बिंदुसार को दाई से यह सच पता चला तो उन्होंने चाणक्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने पूरी उम्र उपवास करने की ठान ली और अंत में प्राण त्याग दिए। दूसरी कहानी के अनुसार राजा बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो विष्णुगुप्त ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। तो मित्रों, आपने जाना कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।